मैं हूँ आपकी होस्ट मायरा खान। सबसे पहले तो बिजली का देखकर जिंदा सलामत बच जाने वाले अजीम पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। एक्सप्रेस न्यूज पूरी दुनिया में देखने वालों को बिल आया नू। मेरा मतलब है जी आया नू। आप देख रहे हैं एंटी टेंशन शो यानी शब्दे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आज की एंटी टेंशन डोज। पेट्रोल बढ़िया किन्ना सी 90 रुपए ते कटया किन्ना 12 रुपए बट ब्रीकी नाल सोच 78 रुपए दा हाले भी फायदा। ओह नो ओया होए ते गल मेरे दिमाग च नहीं आई। पंच करनी है कि मैं स्पिनर बन जानी हां। स्पिनर बन के जनों तो गुगली करानी है ना लोकां नूं ओदे च भी ताने देने ने कि पाकिस्तानी सियासतदान में ओए भी दहांदी कुछ होर है ते करदी कुछ होर है। मैं तो सोच रहा हूं अपने भी वारंट जारी करवा दूं। हाय वो क्यों? फिर मैं तुम्हारी जुल्फों का असीर हो जाऊंगा भावे जुआ मेरा खून चूस जाए। डिप्लोमैटिक मरासले की गल कर रहे हैं ना तो की लिखे है भला उन्दे और अगले अंग्रेजी सलीस करके तो सीधिया सीधिया पंजाबी गाला कटिया सानू। पहले महंगाई ने सिर्फ कमर तोड़ दी थी जबकि अब पूरा कमरा ही तोड़ दिया है। इस माह बिजली के बिल देखकर बड़े बड़ों के कड़ाके निकल गए। नॉकआउट जरब ये कि ये सिलसिला खत्म होने का दूर दूर तक कोई इम्कान नजर नहीं आता। जब तक सूरज चांद रहेगा IMF ही प्रधान रहेगा। रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक ही दफा कड़वा घूंट पी लें, वापस से अपनी और अपने प्यारों की जान छुड़ाएं और सोलर सिस्टम पर शिफ्ट होने की तैयारी पकड़ें। आप तैयारी पकड़ें और मैं आपको अगला सेगमेंट दिखा। तो आए फिर हुसैन की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था, दिल उसके मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। एक हुसैन की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। कुछ रोज कटे यूं ही बुरा वक्त जब आया, उस हुस्न की देवी ने भी नजरों से गिराया। गुर्बत ने जमाने की निगाहों से गिराया, आंचल मेरे हाथों से मोहब्बत ने जुड़ाया। एक रात जो उसने मुझे सोता हुआ छोड़ा। वाह वाह वाह। मैं आपको बताऊं इश्क होता है सबको होता है और मुझे भी हुआ। और ये गाना तो मुकम्मल कर लो। असल में ये गाना मेरे हालात की नक्शाकशी करता है। एक रात वो भी मुझे सोते हुए छोड़ गई। बस फिर होटल वाले ने भाई नु बन लिया। क्यों? ऐसे कोई नहीं सर। तो भागी क्यों? वो डर गई थी। वो कैसे? जब उसे होश आया उसने भाई को देख लिया। तो फिर तुमने क्यों उससे मोहब्बत की? मोहब्बत तो हो जाती है तो कहो ये कूड़ है, मोहब्बत पूछ क्यों दी है? भाई की लवर भाई का बहुत ख्याल रखती थी। जब भी आती थी गिफ्ट लेके आती थी, बहुत ज्यादा खाने पीने की चीजें। क्या? चने लेके आती, कभी मरूंडा लेके आती, कभी गचक। असल में भाई की मशूक भी को मांगने वाली थी। वो भाई की मोहब्बत थी, भाई उसको देख के बहुत खुश हुआ करते थे। अक्सर पटूसियां मारते थे। एक दफा खुशी में भाई गलत पटूसी मार बैठे ते गोल गप्पे वाली रेड़ी दे उते डेग पे आ कोने पे बन लिया। भाई को देखे चादर कितनी सूट करती है। हाँ जी। भाई चादरें भी बेचता है। हमारे ज्यादातर प्रोग्राम स्टेशन पे होते हैं। भाई का अपना लंडे का काम भी है। वैसे हमने आज तक नहीं सुना कि लंडे में कुछ चादरें भी बेचता। एक बचपन का वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी जी जी। हमारे घर एक अंग्रेज आ गया। ठीक। हमने समझा ये मौसीकार है। वो कौन था? वो असल में डार्विन था। डार्विन की नजर भाई के ऊपर पड़ी। उसने कहा कि चंद दिन के लिए मुझे ये बच्चा चाहिए, मैं मुंह मांगे पैसे दूंगा। अब भाई ने कहा तू उंजी ले जा। अब भाई ने डार्विन दे तरले कीते बल्कि डार्विन नु आण दा कराया भी। डार्विन भाई को अपनी लेबोरेटरी में ले गया। भाई ने जाते ही पहले तेजाब पिया, उसके बाद यूरेनियम पिया, फिर पोटाशियम पिया, फिर उसे पाई चल गया। ए जड़ी हिरोशिमा च बकवास हुई सी वो भाई दी वजह से। डार्विन ने भाई नु वो गाला कढ़ी और मजे दी गाले गाला भी उन्हें पंजाबी च कढ़ी। क्या अनवर अटोर दी गिट कर गा मुंह। यार कोई गाना सुनाओ प्लीज।
रफ्ता रफ्ता वो मेरी हंसते का सम हो गए। कहावत है हंसते मुस्कुराते खूबसूरत चेहरों के पीछे धोखेबाज फितरतें पोशीदा होती हैं। हैं? अरे भाई हर बुरी बात घूम घुमाकर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन पे ही क्यों खत्म हो जाती है? भाई मैं तो एक माड़ी चंगी होस्ट हूँ, चुप ही रहूं तो अच्छा है। कल को कोई ये ना कह दे के ओए चुप कर एडी तू शोखी ज्यादा होस्ट के लिए ते सियासतदानों नु जप्पे। वैसे आइडिया अच्छा है कि है खूबसूरत होस्ट लेकिन खामोश तबीयत। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैं खामोश नहीं रहने वाली, मैं आपको सेगमेंट दिखाने लगी, आए देखें। पता ही नहीं इस बारियां ने किवें बिहेव करी दा। मेरे उस्ताद दी बिस्ती ना कर, मैं तेरे मुंह देखे आके चंड मारनी है। बस सब मिठा है उस्ताद जी, मैं कड़ा जा रहे हैं। और गल सुनो भाऊ, आ सिर ते टोपी पालन नाल फरंगियां वर्गी ओए कोई नफीस ड्राइवर नहीं बन जांदा। असीं आ लारी अड्डे दी बदमाशी नहीं चलन देनी। ओए तुसीं साडे मुसाफिरां नूं हत्थ लाया ना, आ जिहड़ी तुहाडी बस दी होस्ट है ना, असीं तां मोबाइल ते मिस कॉल मारांगे। मार हां इक मिस कॉल जे सारी रात दे आप ना कॉल करदी रही ते फिर कहीं ਤਾਂ ਜੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਝਗੜੇ, ਇਹ ਜਦੀਦ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ ਕੀ 2-4 ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿਚਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨਾਲ। ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ 'ਚ ਵੜੀਏ ਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਸ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਟੈਚੀ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਸ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਅੰਮਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਸ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਵਿਚਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ MQM ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕੋਈ 90 ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਦਰਾਬਾਦ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ PIB ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ PSP ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਮ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਹਸਨ ਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਲਸ਼ੀਏ ਨੂੰ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੂਲ ਡਾਊਨ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਿਆ, ਉਹ ਟੀਮ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ ਬਿੱਠੇ ਉੱਥੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਟਾਪਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਏ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਦਰੀਆਂ ਰਾਣਾ ਫੁਆਦ ਅਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਫੁਆਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਕੁਝ ਬਚਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੋ ਕੁਝ ਬਚਿਆ। ਉਹ ਬਿੱਠੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਡਾਂਸਰ ਹੈ ਗਈ। ਹੈਲੋ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਓ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੂੰ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੱਸ ਪਿੱਛੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਓਏ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਬੱਸ 'ਚ ਛਿਲਾ ਪਿਆ, ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਹਮਦਰਦ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਸਿਰ ਬੰਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੇਅਰ ਕੋਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ 'ਚ, ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਡਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਏ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਜ ਚੰਬੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੈਨੇਟਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜੀਆਂ। ਓਹੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਂਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਬਾਂਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਨੰਗਾ ਇੰਜ ਖਲੋਤਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ 'ਚੋਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ। ਹੁਣ 3 ਹੋ ਗਏ ਨੀ ਉਸ ਮੁਸਾਫਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ, ਦੱਬਿਆ ਵੀ ਨੀ ਵਿਚਾਰਾ ਉਂਝ ਹੀ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਦਿਲਬਰ ਨੇ ਉੱਥੇ 2-3 ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ 2 ਕਰੰਡੀ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਰਾਦ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਤੇ ਬਾਸੀ ਚੜਾਈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰ ਉਨਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਹਾਮਿਦ ਖਾਨ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਰੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਓ ਮੇਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਕੀ ਦੂਰੀ ਕਾ ਕਾਰਨ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਕੋ ਬਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਕਿਤਨਾ ਅਜੀਬ ਔਰ ਬਚਕਾਨਾ ਸਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਕਦਾਰੋਂ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਪਿਕਚਰ ਅਭੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸੂਫ ਅਫਵਾਹ ਚੌਧਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਸੀਂਗ ਫਸਾਏ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕਾ ਹਾਲ ਵੀ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਮੇਂ ਇੱਕ ਸਾਥ 2 ਕਿਲੋ ਮੈਂਢਕ ਤੋਲਨੇ ਵਾਲੋ ਜੈਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੰਪ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੜੋਂ। ਔਰ ਹਮ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤੇ ਅਗਲਾ ਡੱਡੂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਤੋ ਦੇਖਤੇ
की हो गया जी? उस्ताद जी डार साहब ने आंदे नाल ही दो छके कराते ने पेट्रोल कठा 12 रुपए सस्ता। बट तू गल दी ना बरीकी नहीं समझ रहा। ओ एदे च भी बरीकी पाती हूं। पेट्रोल वधिया किन्ना सी? 90 रुपए। ते कटया किन्ना? 12 रुपए। बट बरीकी नाल सोच 78 रुपए दा हल भी फायदा। ओ नो गल मेरे दिमाग च नहीं आई। मेरा मतलब है पेट्रोल जदों भी घटना है तो उदों ही चौका छिका जा वजना है, तो जदों वधना है तो पूरी सेंचुरी होनी। हुण समझें तू गल दी बरीकी नूं। मैंने हिसाब लगाया है एंटी टेंशन शो में डोज तेज होती जा रही है, इसलिए भाई यहाँ वक्फा तो लेना बनता है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। साइकोलॉजिकल साइंस मैगजीन में शाया होने वाली एक तहकीक में बताया गया है कि जब माँ गाजर खाती है तो रोहन में बच्चा मुस्कुराता है, और जब वो गोभी खाती है तो बच्चा तेवरियाँ चढ़ाता है। अरे वाह, कैसी सोसाइटी में जी रहे हम पाकिस्तानी। यहाँ तो जीते जागतों के हाल की किसी को कोई फिक्र नहीं है। वाह वाह, और एक वो है जिन्होंने माँ के पेट में बच्चे की पसंद नापसंद का पता चला लिया। मुख्तारिया गल बढ़ गई है, फिक्र ना कर, अगला सेगमेंट देख। साहब बहादुर असे चोर नहीं हैगे, साडी जान छुड़ा दे सोनिया। लो जी आइटम शुरू हो गई। अच्छा जी, इस जैसी औरतें आम तौर पे करती क्या है कि कहीं नौकरी हासिल करती हैं, फिर अपनी सिफारिश पर कोई माली खानसामा ड्राइवर खुद रखवाती हैं, और होता वो इनके गैंग का मेंबर है, क्योंकि उस वक्त तक ये अच्छी खासी जानकारी हासिल कर चुकी होती हैं। फिर ये एक गैंग की शक्ल में घर का सफाया करते हैं, और बच्चू तुम छूटोगे नहीं, याद रखना। फिक्र ना कर, कुछ नहीं होएगा। अच्छा बंदा है तो जनाना जी। फिक्र ना कर, कुछ नहीं होगी। अब 6 महीने बाद मेरी जमानत हो जानी। सर देखे, हमारा तो आज तक कभी कहीं नाम नहीं आया। वो कह रहे हैं 2 केसेस में आपका नाम है। सर झूठ बोल रहे हैं वो। चपे नीसड़िए मारने बखाना। ए सर जी ए वेखो, तुसी आ वेख लो, एक एफ आई आर इन्हां ते 2013 दी जे। अच्छा। एक एफ आई आर 2015 दी। अच्छा। मैं कुछ झूठ बोल रहा जी? ये तो ठीक है। सर जी एफ आई आर च कोई लतीफे लिखे ने? एफ आई आर में नहीं लतीफे, उधर देखो जी। एफ आई आर तो हुण दर्ज होनी है जी। अलर्ट भाई, अमला अलर्ट, वेख लिया एफ आई आर उन्होंने। अलर्ट ही थेपड़ जू लेना है। बिल्कुल अलर्ट रहना है, और तू खास तौर पर टी रहा। तमीज कर, मैं तुझे दसा तमीज कर। बाबे दे मलंग भाई, बाबे दे मलंग। निवलू क्यों गया? ओए ओ बोतल कितने है? ओ मेरी बोतल है तो नहीं सर। ओए तो खाली। ओ तू पीती बुटिया? ओ मैं नहीं पीती सर, टीरा पी गया। तमीज कर, मैं तुझे दसा तमीज। अजी बाबा, अज तू बाद बाबा शातर सरदारी साडा भी मुर्शद है। शातर चिंगारी है, वो इको गल ही है। सर जी इन्हू रोको, डंडा साहब से 2-2 घुट पींदे सन, उहदे पूरी बोतल ही मुका गए जी। निव की मसला है? तुहाडे ला रहे जी, ब्रेक ले लो। ओ बूटे जी, जनाब इधर आ बलो जी। सर जी 10 मिनट तक किदा किदा मसला हैगा? ओ बस सर, कोई मसला नहीं हैगा, इत्थे तुसी अफसर हैगे हो, बाकी सारे नौकरी लगे ने, त्यो जिहड़े अंदर ने ए कमाई बैठी इत्थे बेचारी। हमाई की मसला तेरा? मेरा की मसला होना है टी रिया? तमीज कर, मैं तेरे साथ टी रहा क्यों के किथे मेरे किया था सर वो रख के। पाकिस्तान में घर का बजट बनाना इतना ही मुश्किल काम है जितना हटे कटे पाठे हाथी को साइज जीरो का जांगिया पहनाना। अरे भाई, किसी जमाने में लोग काम पर जाते थे, घर चलाते थे और थोड़ा बहुत बचा भी लेते थे, मगर अब लोग काम पे भी जाते हैं लेकिन घर नहीं चला पाते, और बचत सोची भी ना सुने। पाकिस्तान की 2/3 आबादी में सेविंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है। यहाँ कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, मगर हमें देखे हमारा सेगमेंट शुरू हो गया है, तो आइए देखते हैं। चुनियां गोटे लगवांदे होनियां, चुनियां गोटे लगवांदे होनियां, आए है नजेगा। ये होता है गाना किसे दा? यार ना बिछड़े। ओ भी चुनियां गोटे लगवांदे होनियां, मेरी नल
ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਮੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣੀਆਂ ਮੇਰੀ ਚੜ ਕੇ ਜੰਜ ਜਾਣੀ ਯਾਰ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੂਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਦਰਜੀ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਸੀ ਦੇ ਸੁਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਦਰਜੀ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਸੀ ਦੇ ਸੁਆ ਜਦੋਂ ਸੁਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਢੋਲ ਪਾਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਰੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਆਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੱਲੇ ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮਾਫ ਕਰ ਬਾਬਾ ਮਾਫ ਕਰ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਦਾਲ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਲਾ ਕਿੱਡਾ ਸੁਰੀਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਸੁਰੀਲਾ ਗਲਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਣੀ ਆ ਆ ਹਾ ਨਹੀਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਪੈ ਗਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਕਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਾਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਮੱਲਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਰੇ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫਿਰਨ ਡੇ ਨੇ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ ਮੋਰ ਪੀਆ ਕੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੱਗਦਾ ਨੱਜੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਾਲਜ ਚ ਪੜਨਾ ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਫਾਲਜ ਹੋਣ ਹੋਏਗਾ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਫੀ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲਈ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਪਾ ਨੱਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਨਕੇ ਨਾਨਾ ਔਰ ਆਪਕੇ ਦਾਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆਦਮੀ ਥੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਾਈ ਲੈ ਵੀ ਵੇਲੇ ਖਾ ਲਿਆ ਵੀ ਨਜੇ ਖਾ ਐਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਬਹੁਤ ਕੰਜੂਸ ਆਦਮੀ ਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਟਿਆ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੀ ਐਡੀ ਵੀ ਨਾ ਗੱਲ ਵਧਾ ਨਜੇ ਖਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਡੇ ਕੰਜੂਸ ਸਨ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਇਆ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਮੇਂ ਸਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਕੋ ਮਿਲਨੇ ਵਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਔਰ ਰਕਮ ਕਾ ਟੋਟਲ ਕਰੇਂ ਤੋ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਇਤਨੇ ਪੈਸੋ ਮੇਂ ਤੋ ਕਈ ਨਏ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਕੀਏ ਜਾ ਸਕਤੇ ਥੇ ਲੇਕਿਨ ਰੋਲਾ ਫਿਰ ਵਹੀ ਕਾ ਵਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਸੈਲਾਬ ਕਿਸੀ ਲੋਟਰੀ ਸੇ ਕਮ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਅਰੇ ਭਾਈ ਕਈ ਵਡੇਰੇ ਤੋ ਸੈਲਾਬ ਕੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾ ਦਰਜਾ ਔਰ ਮੁਕਾਮ ਦੇਤੇ ਹੈ ਡਿਊ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵਾਲਾ ਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਸਾਈਂ ਅਭੀ ਸੈਲਾਬ ਆਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਸਭ ਚੁਕਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਸਾਈਂ ਅਗਲਾ ਸੈਲਾਬ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇਖੇ ਨਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਸਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੂਮਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੂੰ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਬੈਟਸਮੈਨ ਕੇ ਬੋਲਰ ਬਲਕਿ ਬੈਟਸ ਵੂਮਨ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗੀ ਬੈਟਸ ਵੂਮਨ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਣਾ ਤੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਹੀ ਲੁਕ ਜਾਣਾ ਫਰੈਂਸ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਲਕਿ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਲੋਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਓ ਨੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਾ ਹੰਸ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪਿਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸਪਿਨਰ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਗਲੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤਾਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਏ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਪਿਨਰ ਬਣਨ 'ਚ ਵੀ ਤਾਨੇ ਤਾਨੇ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮਾਰਨਗੇ ਫੈਨ ਇੰਨੀ ਤਨਕੀਦ ਇੰਨੀ ਤਨਕੀਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੱਸ ਜੈਸੇ ਨਦੀਮ ਕੇ ਬਗੈਰ ਸ਼ਬਨਮ ਨੰਨੇ ਕੇ ਬਗੈਰ ਅਲਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕੋ ਕੇ ਬਗੈਰ ਸ਼ਬਦੇਕ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਤੋ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੇ ਤਹਿਤ ਚਲਨੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਓ ਕੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਸ ਔਰ ਅਰਾਕੀਨ ਕੇ ਗੁਲ ਛੜੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਕਈ ਸਾਲ ਸੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਲੂਟ ਮਾਰ ਕਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ
ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਮਲੰਗੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਕੇ ਮਾਲ ਪਰ ਯਾਸ਼ੀ, ਉੱਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ, ਅਬ ਆਏਗਾ ਊਂਟ ਪੈਟਰੋਲ ਕੇ ਨੀਚੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਾੜ ਕੇ ਨੀਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸਕਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਖੇਲੋ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅਗਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚਾਹੋ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਫਿਰ। ਸਫੀਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਡਾਂਸਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਔਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਸੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਕੀਰ ਸਮਝਣ ਡਿਆ। ਕੈਸੇ ਆਏ ਹੋ ਸਫੀਰ ਮੋਹਤਰਮ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫਤਿਹ ਕੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ ਬਈ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੁਕਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਡਾ ਬੁੱਢਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁੰਬਾ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਪੋਣਾ ਛੋੜੋ, ਉਸੇ ਪੁੱਛੋ ਖਬਰ ਕਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਖਬਰ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦਾਰਾ ਪੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੰਨੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਬਕਵਾਸ, ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਏ, ਵਹਾਂ ਕੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਆਪਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੇਰੀ ਪੁੱਪੀ? ਯੇ ਦਿਲਚਸਪ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਆਗੇ ਬੋਲੋ ਸਫੇਰ। ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਲਕਾ ਸਮਝੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੋ ਨੇ ਆਵਾਮ ਕਾ ਜੀਨਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ? ਬਸ ਆਪ ਫਜ਼ੀਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੰਦਰ ਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਮ ਖਲਵਾਏਂਗੇ। ਬਈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੱਦਾਰ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਵੀ ਸੋਚਤੇ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ? ਵਹਾਂ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਆਪਕਾ ਸਾਥ ਦੇਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਅੱਜ਼ਮ। ਸਾਰੇ ਕੈਸੇ? ਉਹ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? ਇੱਕ ਤੋ ਹੈ ਰਾਜਾ ਪੋਰੂ, ਉਸਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆਪਕੋ ਮੁਹਤਾਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਗਾ। ਇਹ ਪੋਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪੋਰਸ, ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ। ਪੋਰਸ, ਪੋਠੋਹਾਰ ਕਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਈਂਟ ਸੇ ਈਂਟ ਬਜਾਏਗਾ, ਦੇਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ। ਤੋ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਮਲਕਾ ਆਲੀਆ। ਆ ਮਲਕਾ ਆਲੀਆ, ਉਹ ਹੀ ਅੰਨੀ ਦਿਆ। ਇਹ ਮਲਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਲਕਾ ਹਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਕੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਰਸਤੇ ਅੰਕਲ? ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਹੁ, ਇੱਥੇ ਬੋਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੇ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੱਪ ਪਖਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਲਿਆ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਂਪ ਪਾਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਚਤੀ ਵੀ ਥੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਬਾ, ਮੈਂ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰ ਬਾਸ਼ਾ, ਆਓ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੀ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਮੋਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਹਿਕੀਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਮੋਂ ਕਾ ਮਾਨਨਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਕਾ ਦਲੀਆ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਕਾ ਬਾਈਡਨ ਅੱਛਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਹੁਕਮਰਾਨੋਂ ਪਰ ਖੁਦ ਪਰ ਮਾਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋ, ਤੋ ਉਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਮੇਂ ਯੇ ਡੋਜ਼ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਮੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੋ ਫਾਕਾ ਹੋਗਾ ਔਰ ਆਵਾਮ ਕੋ ਫਾਕਾ ਹੋਗਾ। ਇਸੀ ਲਈ ਆਪਕੋ ਕਹਿਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਐਂਟੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਡੋਜ਼ ਲੇਂ ਔਰ ਅਗਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇਖੇ। ਉਹ ਤਫੈਲ, ਆਹ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੁਛ ਨੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੈੱਡ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਤਦ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ। ਆ ਤਫੈਲ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ? ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਕਰਾ ਲਿਆ,
तेरा गुर्दा मैं ठीक कराया, कलेजा तेरा मैं ठीक कराया, फिर फिफड़ा तेरा मैं ठीक कराया, अंदर सारा तेरा मैं इलेक्ट्रॉनिक काम करा दिता, तो हुण तू ब्लड प्रेशर करा लिया। तो डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर को। और डॉक्टर नु बखाण दी केड़ी गल, असीं लंबड़दारी एवें नहीं कीती, 20 साल डॉक्टरी दे सिर ते लंबड़दारी कीती। देखिए इस मर्ज के बड़े बुरे असरात होते हैं, इसको इसीलिए खामोश कातिल भी कहा जाता है। गुर्दे फेल हो जाते हैं, आगे चल के हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ तक कि दिमाग की नस जो है वो फट सकती है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है अगर ब्लड प्रेशर शूट कर जाए बहुत ज्यादा। तो घोड़ा मर्ज ते बीमारी कभी बुढ़े नहीं होंगे जनाब। इन्हें तो इलाज करना चाहिए, देसी इलाज डॉक्टरों को पता ही नहीं, और जो इलाज मैं कर देना लंबरदार एवं नहीं बने। क्या देसी इलाज है आपके पास? ब्लड प्रेशर ही हाई होया ना जी, जी, जी। कितना होया उत्ते वाला? 11.5 ता थल्ले वाला 940। ए टोटल मिला के कितना होया? 1990। लगे 1990 बहुत है, जो लेना हो गल करो। मेरे गल हैगी है तफैल 1990 का नहीं हैगा हुण। चलो ठीक है, जो सेहतमंद से उदो यदा 2000 देने भी तैयार से, हूँ तो नहीं 1912 खाता भी। गलत गल आई है सरदार साहब, आप कोई डॉक्टर का बताएं या डॉक्टर के पास लेकर जाएं उन्हें। और डॉक्टर को ले जाने की लोड़ की है शाह जी? बड़े बड़े इलाज मैं किए अपने हथी बकलम खुद, और बंदे मर गए, उन्होंने पैसे तो बच गए ने ना। आप इलाज किया मैं, ब्लड प्रेशर हाई है ना, तुम इस तरह करनी है, कूजा मिश्री लैनी है, ठीक है, नाल इस्त्री लैनी है, इस्त्री के उत्ते कूजा मिश्री फेरनी है, उन्होंने पाना खरल में, खरल में पा के थोड़ा जि अरल करना, थोड़ा जि करल करना, थोड़ा जि परल करना, थोड़ा जि उरल करना, ठीक है। उस तो बाद तुसी लेनी है कालियां 7 मिर्चा। मिर्चे? हाँ जी, कालियां 7 मिर्चा तवे ते साड़नियां, उहदे विच इन्ना नमक पाउणा। नमक? हाँ जी, ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए इतना नमक? बिल्कुल, उत्तर नमक की लैनी वड्डी ढेली, उस नमक नूं उस नमक दे नाल रगड़ना। खुदा का खौफ करे नंबरदार साहब, दोवें जदों मिस्क हो जाण विचों इन्ना हाथ ते पा के तुहानूं तरीका पता भी फक्का नहीं मारना, थलों हाथ मारना है, मिर्चा अखां च ब्लड प्रेशर बाहर। मैनू पता लग गया भी तुसी मेरे दसे नुस्खे इस्तेमाल नहीं करते। अच्छी बात है, इनकी जान बच जाएगी। हुण तो मैं हाथी करा के जावांगा। इस बिमारी की दवाई तो मैं जेब च लई फिरन दिया, मैनू पता भी कोई ना कोई माड़ी मोटी जिहड़ी बिमारी हुंदी आ उह तो मैं एक मिनट च सैट कर लैना। नंबरदार साहब ये क्या पानी दे विच नमक पा के देन लगा जी, इतना नमक? हाँ जी, आ सारा ही पाउणा है, तां थोड़ा जिहा घर रह गया, मेरे को गलती हो गई है, मुट्ठी अगले अगले फेरे च आया तो मैं वह भी खुआ देंगा इन्हू। ब्लड प्रेशर के मरीज को मुट्ठी भर नमक पिला रहे हैं आप? आ तो कुछ भी नहीं जनाब, मैं तो दो दो गिलास पिला के पिला देना हूं। खुदा का खौफ करे नंबरदार साहब, दसो इलाज ना करा, मैं बैठा तुहाडे मशवरे ते लगा रहा। बड़ी क्या कर रहे हैं नंबरदार साहब? मैं तुहानू दसना ना भी ठहरो, तुसी चम्मच कित्थे गया, कोई है पुत उंगल फेर दे पीना, तो तू ही है। हो गया ना हल, लै भी तफैल उठ जा। परेशान है ही है, जे बीमारी पी के मतलब ठीक हो जाए तो साडा की जान। क्या कर रहे ब्लड प्रेशर? और पता नहीं होना, चाचा फड़ गिलास तेन तू आप प्यो। लो जी, ये तो हम पता नहीं की बनना, मैं तो डेरे ते जाके फैसले करा, लोग मेरा इंतजार कर। खुशखबरी, पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स का मुआवजा बढ़ा दिया है। कायदेजम ट्रॉफी खेलने वालों की मैच फीस 60,000 से कम करके 1,00,000 कर दी। अरे भाई, ये कम का लफ्ज मैंने करेंसी वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद यूज किया है, उसे बहुत अच्छा किया, वरना पता चले कि कल का शुएब अख्तर आज का बिजली का बिल चुकाने के चक्कर में चकनाचूर हो गया है। फ्यूचर का वसीम अकरम आज का घर चलाने के चक्कर में होम ट्यूशंस पढ़ा पढ़ा कर गल सड़ गया है, और कल का इंजमामुल हक महंगाई के चक्कर में रन आउट हो गया। इससे पहले कि आप रन आउट हो जाए, सेगमेंट देखते हैं। सर, सर, जी, जी, जी। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। इमरान खान के वारंट जारी हुए हैं तो आपकी क्यों दौड़े लगी हुई हैं? मैं तो सोच रहा हूँ अपने भी वारंट जारी करवा दूँ। हाय, वो क्यों? फिर मैं तुम्हारी जुल्फों का असीर हो जाऊँगा, भावे जुआ मेरा खून चूस जाए। ओह सर, आप भी ना। मुझे आप खबर की डिटेल बताना पसंद फरमाएंगी? पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 188 लगी है खान साहब पर। 188, ये तो शायद सरकारी हुक्म की नाफरमानी पे लगती है। तो खान साहब ने कौन सी नाफरमानी की सरकारी हुक्म की? आई थिंक सो कि उन्होंने 9999 पे 10 रुपए ही सेंड किए होंगे, राइट? निकल।
आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको अगला सेगमेंट दिखाने लगी हूँ। नहीं एड है ना पुत्रो, मैं ब्रेक पे जाने लगी हूँ, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। शहबाज शरीफ की उबैना ऑडियो लीक सोशल मीडिया के खूब हत्थे चढ़ी, जिसमें वो सरकारी अफसर पर दबाव डाल रहे हैं कि मरियम नवाज के दामाद को भारत से प्लांट मंगवा के दें। मियां साहब पहले आमादा हुए फिर पीछे हट गए, हालांकि भारत से ताल्लुकात रखना कोई जुर्म नहीं है। मैंने भी ऑडियो सुनी है, शहबाज शरीफ भी ना थोड़े थोड़े चोई शुजात होते जा रहे हैं, यानी आधी बात समझ में आती है और आधी ऊपर ऊपर लग जाती है। वैसे क्या किस्मत पाई है पाकिस्तानियों ने कि पहले खादमे आला के काम थे कि अब दमादे आला की भी एंट्री हो रही है। कैसी बात है, हमारे अगले सेगमेंट की भी एंट्री होगी तो देख लेते हैं। देखो फर्क साहब जाहिर है, 20 साल 120 साल 220 साल। सर वैसे साड़ी क्रिकेट टीम नु किस तरह ठीक किया जा सके? एक ही नुस्खा बेहतरीन तीर तो, बहादुर। वो क्या? क्रिकेट बोर्ड को ताला लगा दे, इन सब को फारिग कर दे, ये कुछ और ढंग का काम कर ले। ये वाहिद तरीका है, ये जो जिल्लत पहम हमारे हिस्से में आती है हर तीसरे दिन, उससे जान छूटे। और ये मैच इत्तफाक से जीत गए क्रिकेट, चूंकि बाकी बाय चांस है, इत्तफाक से ऑस्ट्रेलिया 220 पर आउट होगी, वरना जो बॉलिंग है इस हिसाब से तो 320 भी कम है। बाकी ममालिक तुम देखो, उन्होंने टीम एक मैच जीते वो पागल हो जाते हैं। हाँ जी, जिम्बाब्वे जब जीते तो वो पागल हो जाते हैं, उनका पागल होना बनता है। कमबख्तो तुम वर्ल्ड चैंपियन रहे हो, राज किया तुमने क्रिकेट पर, मुझे तो शर्म आ रही है इयान चैपल की बात सुन के। वैसे ओदी गल तुसी दिल ते लै गए हो कि ओदा उदास समोसे वरगा मूंह देखें को समझाना चाहिए, बड़े लोग यहाँ पे जब आए उनका ख्याल रखते हैं। हाँ हम सुरों से खेलने वाले साढ़े हाथ ही बल्ले पड़ाई तो स्कूल जमाने में बहुत क्रिकेट खेली। भाई को टीम का कैप्टन बना दिया गया, दूसरी टीम ने भाई को बांध दिया। वो क्यों? यार हम क्रिकेट पे बात कर रहे थे, तुम क्या खान साहबान की तरफ चले गए? हम क्रिकेटर ही हैं, क्या हो गया? नहीं इस तरह क्यों बोल रहे हो तुम, जिस तरह पहले बोल रहे थे क्यों नहीं बोल रहे हो? देखें हम जो हैं हम वही हैं, हमें गौर से देखो। भाई के साथ अक्सर वाकयात होते रहते हैं। एक दफा वेस्ट इंडीज की टीम के साथ हमारा मैच था, भाई को क्रिस गेल उठा के ले गया। भाई अपने दौर में बड़ा कमाल का कप्तान होता था। एक दफा ऑस्ट्रेलिया से टॉस जीत के बैटिंग वेस्ट इंडीज को दे दी। और छोड़े वो वक्त बताओ जब मैं स्टेडियम में जाता था तो क्या कोहराम मच जाता था। भाई रात के पिछले पहर स्टेडियम में जाता था। अच्छा, इसको खाली डब्बों के साथ भरे डब्बे भी मिल जाते थे। किस चीज के? जूस के। भाई जूस के मामले में बड़ा रखी है, 500-700 डब्बा इकट्ठा करके उसमें से इतने इतने जूस निकाल के एक बड़ी बोतल बना लेता था। इसी तरह इसने फ्रूट पंच इजाद किया। आपकी इजाजत हो तो हम गुनगुना सकते हैं? नहीं नहीं मैं तेनू पहले ही कह दिया कूड़े गए। अब जब बात खुल ही गई है तो ये क्रिकेटर नहीं, ये हमारा तबले वाला है। नहीं था मोहल्ले में हम मैच खेल रहे थे, भाई की वजह से मैच जीत गए। भाई ने खुशी में शर्ट उतार दी। अच्छा। अब्बा जी पे पर्चा हो गया। भाई हर चीज में सबसे आगे है, क्रिकेट में, फुटबॉल में, चोरी चकारी में। मरियम नवाज की ऑडियो लीक पर इजहार ख्याल करते हुए परवेज अलाई साहब का कहना है कि ये बातें सुनकर सिर्फ अफसोस कर सकता हूँ। वाह जी वाह, कमाल करते हैं आप भी पांडे जी हैं। खुशी से बगले बजाते बजाते पीटीए वालों के कंधे उतर गए ते तानु अफसोस चढ़े है, हैं? है तुसी मिट्टी शिट्टी पाओ। प्रोड्यूसर साहब तुसी अगला सेगमेंट चलाओ। बट असी किन्ने बेबस और बेहिस लोग हैं यार। ये हो गया पट्टी, बिल्कुल ही दिल छड़ गए हैं। साइफर तो नहीं पढ़ बैठे हैं? नीलोफर साइफर की गल कर रहे हैं। ओह नो, डिंगी करा के तेरा दिमाग खराब हो गया है। बट तू रोटी बारे गौर करा कर, तेनू की पता साइफर की होंगे? क्यों जी, मैंने क्यों नहीं पता, मैं कोई पढ़ा लिखा वा? डिप्लोमेटिक मरासले की गल ही कर रहे हैं ना। तो की लिखे है भला उन्दे च? ओरे चगले अंग्रेजी च सलीस करके ते सीधी सीधी पंजाबी गाला कड़ियां सानू। अच्छा ओ साइफर की गल कर रहे हैं?
ऑडियो शॉडियो लीक हो रही है सन, मैं सोचा सी कि पट पुट लाँगे, लेकिन वो पता चल पी एम हाउस के रिकॉर्ड के गायब हो गया। पटी मियाँ शिवाशी साहब के होंगे पी एम हाउस के रिकॉर्ड कोई शायद चोरी नहीं हो सकता। ना कर नहीं मान ला मेरी गल, हाँ रिकॉर्ड न अग लग जाए तो अगले का गल है। ये था हमारा आज का शो शब्द एक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।